चाहे आपने जोमैटो या स्विगी से खाना ऑर्डर किया हो, या फिर उबर से राइड बुक करी हो, या फिर आप लोगों को कोई लोकेशन नेविगेट करनी हो, आप सिंपली अपना फोन उठाओगे, लोकेशन सर्च करोगे और चंद सेकंड के अंदर लोकेशन आपके हाथ में। पर इन सब इंडस्ट्री के पीछे सिर्फ एक वजह है, जीपीएस टेक्नोलॉजी। तो आखिरकार जीपीएस टेक्नोलॉजी काम करती कैसे है और कैसे हुई थी इसकी शुरुआत, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। आज से कुछ समय पहले एशियन ट्रैवलर्स और सेलर्स स्टार्स का इस्तेमाल करते थे नेविगेशन के लिए, पर इन स्टार्स से नेविगेट करना इतना इजी नहीं था, क्योंकि स्टार्स से नेविगेट करने के लिए काफी ज्यादा कॉन्स्टेलेशंस और स्टार्स के पैटर्न की कॉम्प्लेक्स नॉलेज की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि स्टार्स एक जगह पर स्टिल नहीं रहते और अर्थ के रिवोल्यूशन की वजह से उनकी लोकेशन हर वक्त चेंज होती रहती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे सूरज की मदद क्यों नहीं लेते नेविगेशन करने के लिए, सनराइजेस इन द ईस्ट और सेट इन द वेस्ट। तो यही प्रॉब्लम सूरज के साथ भी झेलनी पड़ती है। सन की दूरी अर्थ से हर सीजन के हिसाब से चेंज होती रहती है, इसलिए सन कभी भी ट्रू ईस्ट से राइज और ट्रू वेस्ट पर सेट नहीं होता। इसलिए पुराने ट्रैवलर्स को लोकेशन फाइंड करने के लिए काफी ज्यादा डिफरेंट कॉन्स्टेलेशन और स्टार्स की नॉलेज होती थी, ताकि वे पोलारिस या फिर नॉर्थ स्टार को ढूंढ सके अपनी नेविगेशन के लिए। अर्थ के नॉर्थ हेमिस्फीयर से देखने पर पोलारिस या फिर नॉर्थ स्टार अर्थ के ट्रू नॉर्थ पर ही निकलता है और अर्थ के रिवॉल्यूशन की वजह से बाकी दूसरे स्टार उसके इर्द गिर्द घूमते दिखते हैं। पर नॉर्थ स्टार को ढूंढना इतना सिंपल नहीं है, उसके लिए स्टार के पैटर्न्स की कॉम्प्लेक्स नॉलेज होना काफी जरूरी है, और साथ ही अर्थ के सदर्न हेमिस्फीयर पर रहने वाले लोगों को नॉर्थ स्टार नहीं दिखता और उनको दूसरे स्टार के पैटर्न्स और स्टार कॉन्स्टेलेशन के भरोसे रहना पड़ता है अपनी लोकेशन को नेविगेट करने के लिए। और अगर कहीं आसमान में बादल आ जाए तब तो और ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था पुराने ट्रैवलर्स को। लेकिन हमें शुक्र करना चाहिए कि आज हमारे पास जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी है, जिसने नेविगेशन जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क को भी इतना ज्यादा सिंपल बना दिया है। वैसे तो जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और इसको नेवस्टार जीपीएस के नाम से भी दुनिया में जाना जाता है। इस टेक्नोलॉजी को यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है और जीपीएस को यूनाइटेड स्टेट स्पेस फोर्स के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जीपीएस प्रोजेक्ट को साल 1973 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने स्टार्ट किया था और साल 1978 में जाकर इस प्रोजेक्ट के पहले सैटेलाइट को लॉन्च किया गया। पर उस टाइम पर इस जीपीएस टेक्नोलॉजी को सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट ही यूज करती थी। पर साल 1980 में कोरियन एयरलाइन फ्लाइट 007 नेविगेशनल मिस्टेक्स की वजह से सोवियत की टेरिटरी में चली जाती है, जिसकी वजह से सोवियत यूनियन उनको घुसपैठिया समझकर उनके प्लेन को शूट कर देता है और इस इंसिडेंट की वजह से 269 पैसेंजर को अपनी जान गंवानी पड़ती है। नेविगेशन की इतनी बड़ी मिस्टेक के बाद यूएस प्रेसिडेंट रोनल्ड रेगन के ऑर्डर के बाद जीपीएस टेक्नोलॉजी सिविलियन यूज के लिए भी खोल दिया जाता है, और शायद ही कोरियन एयरलाइंस की घटना के वजह से आज इस टाइम पर हम स्मार्टफोन्स, कार्स, यहाँ तक कि पेट्स की लोकेशन को ट्रैक करने के लिए भी जीपीएस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो आखिरकार इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी काम करती कैसे है? आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे स्मार्टफोन में एक जीपीएस रिसीवर चिप होती है, और जैसे ही हम अपने फोन की लोकेशन सर्विस ऑन करके अपनी लोकेशन ट्रैक करते हैं तो फौरन ही हमारा स्मार्टफोन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व हो रही 24 सैटेलाइट में से सिग्नल रिसीव करने लगता है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कभी भी ये जीपीएस सिग्नल हमारी लोकेशन को रिसीव नहीं करता, बल्कि इन सिग्नल में टाइम की डिटेल सेंड होती है। सैटेलाइट में दुनिया की सबसे ज्यादा एक्यूरेट वॉच, जिसे हम एटॉमिक वॉच के नाम से जानते हैं, लगी होती है। एक सैटेलाइट को अपनी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में तो पता होता है, और ये सैटेलाइट इतनी ज्यादा एडवांस होती है कि किस टाइम पर ये अर्थ के किस हिस्से में ऑर्बिट करेगी, ये इसका भी प्रिडिक्शन कर सकती है। लेकिन सैटेलाइट को अर्थ पे मौजूद किसी भी स्मार्टफोन की लोकेशन का पता भी नहीं होता, तो सैटेलाइट इन रेडियो सिग्नल के जरिए अर्थ पर मौजूद इन स्मार्टफोन पर अपने टाइम की डिटेल सेंड करती है। जिस भी टाइम पर ये रेडियो सिग्नल सैटेलाइट से निकलते हैं, वह टाइम सिग्नल लाइट की स्पीड से हमारे स्मार्टफोन पर मौजूद जीपीएस रिसीवर पर रिसीव होता है। तो अब मेन सवाल ये खड़ा होता है कि जीपीएस की टाइम और डिटेल से हमें हमारी जीपीएस लोकेशन कैसे पता चलती है। सपोज करो आप ताजमहल के बिल्कुल पास खड़े हो और एक सैटेलाइट भी इंडियन सबकॉन्टिनेंट के बिल्कुल ऊपर है, और आपका स्मार्टफोन अपने टाइम को सैटेलाइट के भेजे टाइम से मैच करता है और उसके बाद ये कैलकुलेट करता है कि इस सिग्नल को सैटेलाइट से आने में
कितना टाइम लगा। तो एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये डिले 0.002 सेकंड्स है और ये सिग्नल की स्पीड स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है, यानी कि 3,00,000 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब अब हमारे पास टाइम और स्पीड दोनों है, तो डिस्टेंस को बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। और हमारा स्मार्टफोन कैलकुलेशन के बाद सैटेलाइट और हमारे फोन की दूरी 600 किलोमीटर है इसको कैलकुलेट कर लेता है, जिसके बाद हमारा स्मार्टफोन ताजमहल की लोकेशन से 600 किलोमीटर की दूरी पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता है। और ये सर्कल काफी ज्यादा बड़ा होता है और अभी भी हमें अपने स्मार्टफोन की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम नहीं, क्योंकि फोन की लोकेशन इस सर्कल के बॉर्डर पर कहीं भी मौजूद हो सकती है। इसलिए आपकी लोकेशन को और भी ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए ये सिग्नल का प्रोसेस कम से कम 4 और सैटेलाइट से रिपीट होता है। सपोज करिए एक और सैटेलाइट चाइना के आसपास है, और GPS सिग्नल के प्रोसेस के बाद हमारे स्मार्टफोन ने ये कैलकुलेट किया कि इस सैटेलाइट बी से हमारा स्मार्टफोन 1100 किलोमीटर दूर। तो अब हमारे स्मार्टफोन के पास 2 सर्कल है, और इसी तरह 2 और सैटेलाइट के सर्कल्स जहां इंटरसेक्ट करते हैं उसी जगह पर हमारे फोन की एग्जैक्ट लोकेशन मौजूद होती है। जिसके बाद अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारी एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाने के लिए टाइम कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसलिए हमारे स्मार्टफोन के टाइम का एक्यूरेट होना बहुत जरूरी है। इसी वजह से आज के स्मार्टफोन्स में ऑटोमेटिक टाइम अपडेट होता है। अब दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सच में इस सैटेलाइट और स्मार्टफोन के जरिए अमेरिकन गवर्नमेंट हम पर नजर रखे हुए या फिर हमारा डेटा और प्राइवेसी खतरे में है। तो आपको बता दें कि ये सैटेलाइट सिर्फ वन वे सिग्नल भेजती है, और इन सैटेलाइट में दोबारा सिग्नल रिसीव करने की कोई भी कैपेबिलिटी होती ही नहीं। यहाँ तक कि इन सैटेलाइट्स को ये इन्फॉर्मेशन तक नहीं होती कि अर्थ पर मौजूद कौन से स्मार्टफोन से इन्हें यूज किया जा रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे इतनी ज्यादा बड़ी और कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी अभी तक फ्री कैसे है। तो आप लोगों को बता दें कि भले ये टेक्नोलॉजी आम कंज्यूमर्स के लिए फ्री हो, पर एयरलाइन इंडस्ट्री, स्मार्टफोन कंपनीज और यहाँ तक कि GPS डिवाइस मेकर्स कंपनीज से अमेरिकन गवर्नमेंट हर साल पैसे चार्ज करती है। तो अब आप ये तो सोच सकते हैं कि एक ऑनलाइन डिलीवरी जैसे सिंपल काम के पीछे भी कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी जुड़ी है। तो अब आप सोच सकते हैं क्या होगा अगर GPS टेक्नोलॉजी हमेशा के लिए रुक जाए, तो कितनी ज्यादा इंडस्ट्री पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।